आर के चरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके सामने एक मैं जैकेट का लेके आई हूँ पैटर्न, जैकेट बनाने के लिए लेडी गर्ल और बॉयज़ के लिए कोई भी पहन सकता है। इसके लिए मैंने ये देखो 75 फंदे मैंने डाले हैं, फिर मैंने इसको थोड़ा डिवाइड किया है, 6 पट्टी के लिए, फिर 8 आगे वाला हिस्सा, फिर 2 फंदे यहाँ से हम रखेंगे जो बढ़ाने हैं हमने, फिर 11 बाजू के, फिर 2 फंदे, फिर 17, फिर 2, फिर 11, फिर 2 और फिर 8 और फिर 6, पूरे टोटल हमने हमारे फंदे 75 फंदे हो जाएंगे। इसको हम डिवाइड करके फिर हमने फंदे बढ़ाना है। ये देखो मैंने मैंने एक सिलाई चढ़ा के डिवाइड कर लिए सारे, क्योंकि मैंने कहा टाइम वेस्ट ना हो, ये मैंने सारे डिवाइड करके रख लिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पटन पट्टी के आएंगे 8 फंदे, 6 फंदे सॉरी, 2, 3, 4, 5 और 6, ये 6 फंदे बटन पट्टी के और 8 फंदे हमारे आगे वाले हिस्से के। ये हमारे सीधा फंदा आएगा पहले, जहाँ से नहीं हमने बुनना, जहाँ से बुनना, 1 फिर उल्टा, 2 फिर सीधा यहाँ से, 3 उल्टा, 4 धागा पीछे करके यहाँ से सीधा, धागा आगे करके उल्टा, धागा पीछे सीधा और धागा आगे करके उल्टा। ये हमारे 8 फंदे हो गए। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 फंदे हमारे पट्टी के, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हमारे आगे वाले हिस्से के। अब हमने फंदा बढ़ाना है ऐसे करके, ये 2 फंदे हमारे सीधे आएंगे। ये जाली पड़ जाएगी आपकी, यहाँ से फिर डाली डाली, 1, 2, ये सीधे ही बुनने हैं बाजू के, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, 11 फंदे हमारे बाजू के आ गए। फिर हमारा फंदा बड़ा, इसे इधर को कर लिया, 2 सीधे फंदे बुन लिए, फिर फंदा बढ़ाया, फिर हमारे आ गया पीछे वाला हिस्सा, 1 उल्टा, 1 सीधा हमने बुनना, ऐसे नहीं बुनना, यहां से बुनना, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, 17। फिर हमने फंदा बढ़ाना है।
दो सीधे, एक फंदा हमारा बाजू की तरफ बढ़ेगा, एक इधर फड़ेगा। हमारे एक दो तीन चार पाँच छः आठ फंदे हमारे हर सिलाई बढ़ेंगे। फिर 11 फंदे हमारे बाजू के, जो हमने सीधे ही बुनने हैं। फिर फंदा हमने बढ़ाना है। दो सीधे, पहले उल्टा फंदा, ये आठ फंदे हमारे आगे वाले हिस्से के हैं, एक सीधा एक उल्टा। उल्टा जो सीधा फंदा बुनना हमने, जहाँ से नहीं बुनना, जहाँ से बुनना। ये हमारे आठ फंदे हैं, एक सीधा एक उल्टा। ये हमारे बटन पट्टी के आ गए। फिर आगे छह फंदे हमारे बटन पट्टी के। उल्टी सिलाई, उल्टी सिलाई में हमने पहले छह फंदे हमारे सीधे जाएंगे, फिर हमारा एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा। दोनों तरफ से हमने यहाँ से ही फंदा बुनना है, उल्टी सिलाई से भी, यहाँ से नहीं बुनना, यहाँ से बुनना, दोनों तरफ से। यहाँ से ये 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ मैं। ये देखो, ये हमारी जाली आ गई। ये हमारे 8 से अब 9 फंदे हो गए। ये 11 फंदे थे, अब ये 13 फंदे हो जाएंगे। एक तरफ एक फंदा इधर से बढ़ गया, एक फंदा इधर से बढ़ गया। एक सीधा, फिर एक उल्टा। जिस 17 थे, अब ये 2 फंदे बढ़ने के कारण 19 हो गए। जहां से एक सीधा एक उल्टा, दोनों तरफ से हमने यहां से ही बुनना है।
ये फंदा आ गया, ये हमारा उल्टा आएगा। दो फंदे उल्टे सीधे, सॉरी सीधे, दो फंदे सीधे आ जाएंगे और ये 11 फंदे फिर हमारे सीधे ही आएंगे, ये बाजू के आगे ना। फिर दो फंदे सीधे, अब ये पहला फंदा हमारा उल्टा आएगा, फिर सीधा, फिर उल्टा। ये 8 फंदे थे, अब 9 फंदे हो गए। ये आ गए हमारे बटन पट्टी के, अब हमने जहां बटन होल बनाना है 3 फंदे हम बुन लेंगे पहले, फिर धागा आगे 2 का 1। फिर यहां से 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा। अब फिर फंदा बढ़ाना हमने, जो दो फंदों जो फंदे दो हमने रखे ना, एक फंदा इससे पहले बढ़ाना, एक उसके बाद बढ़ाना, इसका बस यही निशानी रखनी है। अब आपको नजर आने लग पड़ेगा जहाँ फिर फंदा बढ़ाना हमने। ऐसे आप उल्टी सिलाई और सीधी सिलाई पूरा कंप्लीट कर लेना, इतना आप समझ लो, फिर मैं थोड़ा सा आगे बुनाकर आपको दिखाती हूँ। ये देखो ऐसी सिलाई में मैंने डाल दिया, तार वाली सिलाई में, ये देखो नजर आने लग पड़ा। ऐसे आप थोड़ा सा बना लो और फिर आपको मैं आगे बताऊंगी कैसे क्या करना है। अब तो आपको इतना बन जाएगा तो अपने आप पता लग जाता है कहाँ जाली डालनी है, कहाँ क्या करना है। अपने आप नजर आने लग पड़ेगा। ये देखो अपने आप नजर आने लग पड़ेगा।
जहाँ हमने जाली से दो फंदों के आगे पहले हमने फंदा बढ़ाना है। दो फंदे बुनने के बाद एक फंदा फिर बढ़ा देना। ऐसे आप पूरा बना लो, फिर आपको आगे बताती हूँ मैं। ये देखो इतना मैंने बना लिया। ये देखो जहाँ हमने ये दूसरा बटन होल बनाए, मैंने दो बटन होल बना ले, जहाँ हमने जाली डाल के दो दो फंदे बढ़ाते गए, इतना बन गया। मैंने 2 साल के बच्चे के लिए बनाना है, इसलिए हमने मैं थोड़े से और फंदे बढ़ाऊँगी। छोटे बच्चे के लिए बनाने हों तो बहुत है, मैंने 2 साल के बच्चे के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने और फंदे बढ़ाऊँगी। वैसे जैसे बना रही हूँ वैसे बनाना। बस ये मैंने बटन होल बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 सिलाइयों के, 8 ये 16 सिलाइयों के बाद मैंने बटन होल बनाया। अब 16 सिलाइयों के और डाल के फिर बटन होल बनाऊँगी। ऐसे थोड़ा सा और आगे बना लूँ, फिर आगे आपको बताती हूँ क्या करना है। देखो इतना बन के पूरा तैयार हो गया। अब हमने बाजू दोनों एक साइड में निकाल लेनी और आगा और अगला और पिछले वाले हिस्से को दोनों इकट्ठे ज्वाइन कर लेना। ये देखो ये आपको मैं बताती हूँ। देखो ये वाले फंदे हमने इस सिलाई में उतार लेने, ये मैंने बुन लिए इतने फंदे पीछे आगे वाले हिस्से के, और ये वाले फंदे मैंने सिलाई पे उतार लेती हूँ। ये बाजू के हैं। आपने छोटा बनाना हो तो फिर आपने उस हिसाब से फंदे बनाने। मैंने बड़ा बना रही हूँ इसलिए मैं आपको एंड में सारे बताऊँगी कितने कितने फंदे आपने रखने हैं। 1 साल के बच्चे के लिए कितने और 2 साल के बच्चे, ये 2 साल के बच्चे का है। ये सारे फंदे मैं इस सिलाई में उतार लूंगी। और ये हमने फिर यहाँ से शुरू करेंगे। ये दोनों तरफ से हमने फंदे उतार लेने, बाद में सारे आगा और पीछे वाले हिस्से के हमने इस सिलाई में डाल लेने हैं। ये देखो आपको ना आसानी से दिखाने के लिए मैंने इसमें डाल लिए, इधर से भी हमने डाल लेने हैं सिलाई में। फिर हमने पहले बाजू बुनेंगे, बाद में हम ये बनाएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ अगली वीडियो में, आपको फिर मैं पूरा बनाना सिखाऊंगी। ये फर्स्ट पार्ट में हमने इतना बना लिया, सेकंड पार्ट में आपको मैं पूरा बनाकर दिखाऊंगी। थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।